हेलो फ्रेंड्स, हम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हमारी जो सीरीज चल रही है उसकी 9th ये वीडियो है। इसमें हम 10 वीडियोस टोटल बनाएंगे। आज हम बात करेंगे कि आप अपने चार्ट का एनालिसिस करते हुए थोड़ी सी प्रिडिक्शंस आपको किस तरीके से करनी है और किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। ये सैंपल प्रिडिक्शंस हैं और एस्ट्रोलॉजी काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इसमें हम जितनी भी गहराई में उतरेंगे उतनी ज्यादा हमें मजा आएगा। लेकिन जब तक हम इजी प्रिडिक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक हम उसकी गहराई में नहीं जा सकते। तो इसलिए दोस्तों, आज हम कुछ इस तरह की प्रोबेबिलिटीज आपको बताएंगे जिससे आपको एक अवेकनिंग हो जाएगी कि हमें किस तरीके से प्रिडिक्शंस करनी है। कल हम दशाओं पे बात करेंगे। कल की वीडियो हमारी लास्ट रहेगी इस श्रृंखला में, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि हम हमेशा करते हैं कि आप अपना हमें सब्सक्राइब जरूर करिए हमारा चैनल। पिछले कुछ दिनों में काफी सब्सक्रिप्शन में भी इम्प्रूवमेंट आई है और पहले हमारे 75% व्यूअर्स हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स थे और आज हम देखते हैं तो ये परसेंटेज 70 से भी थोड़ी नीचे आ गई है। मतलब 70% हमारे अभी भी जो व्यूअर्स हैं वो हमें उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ये थोड़ा सा पेनफुल है। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज हमें सब्सक्राइब करने की चेष्टा करें। थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा लग्न का स्वामी कहाँ है। लग्न का स्वामी अगर हमारा थर्ड हाउस में आ गया तो हमें स्ट्रगल करके ही लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस का कनेक्शन हो गया जो पराक्रम का हाउस है, सेल्स मार्केटिंग का है, कम्युनिकेशन के, बहुत कम्युनिकेशन होगी, बहुत भाग दौड़ होगी, शॉर्ट ट्रेवल्स काफी रहेंगे। तो इस तरीके से आपने लगन के स्वामी को असेस करना है। लगन का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठ गया तो सुख सुविधाओं से ये आदमी संपन्न हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी अदर प्लैनेट्स प्लेसमेंट। अगर लगन का स्वामी पांचवें घर में आ गया तो बहुत ऑस्पिशियस है। अब पांचवें घर का जो भी सिग्निफिकेंस है वो लगन से मिला लो, यानी कि लगन का स्वामी पांचवें घर में बच्चों की अच्छी देखभाल करेगा, प्रॉफिट्स कमाएगा, गेन्स कमाएगा, क्रिएटिव होगा, इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि इस घर का संबंध इन्हीं चीजों से ही है। अच्छी बुद्धि होगी इंसान की, एजुकेशन अच्छी रहेगी, स्टॉक मार्केट या सडन गेन्स लाइफ में ले सकता है, बच्चे अच्छे होंगे, बच्चों से प्यार मोहब्बत होगी। ये सारी चीजें आपने, आप ये समझिए कि आप खुद उठ के बच्चों के घर में जाके बैठ गए हैं। अब बच्चों के घर में जो जो चीजें मिलती हैं उससे आपको ब्लेसिंग रहेगी। अगर ये, अब देखिए ये हम बड़े सिंपल चीजें हैं। अब ये एनिमीज के साथ बैठा हुआ है तो थोड़ा सा डेफिशिएंसी आ जाएगी। अगर इसका नक्षत्र कहीं गलत फंसा हुआ है तो और डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो आपने ये तीन स्टेप्स तो एटलीस्ट करने ही करने। अब लगन का स्वामी वहां बैठ गया या लगन जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का स्वामी वहां बैठ गया तो लगभग लगभग रिजल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं। लगन का स्वामी खुद अगर बैठ जाए तो बहुत ही ऑस्पिशियस है। जिस वो नक्षत्र में लगन का स्वामी बैठा हुआ है, किसी भी घर में उस नक्षत्र का लॉर्ड यहां बैठ जाए तो भी अच्छा है, लेकिन अगर लगन का स्वामी बुरे घर में बैठा हुआ है तो रूट आपका बुरा घर हो गया। आठवां घर में बैठा हुआ है लगन का स्वामी, आठवें घर से जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड पांचवें में बैठ गया तो रिजल्ट्स जरूर अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपका रूट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, डिफिकल्ट हो गया, फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड फुल ऑफ इवेंट्स हो गया। एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना पड़ेगा आपको। लगन का स्वामी अगर छठे घर में जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड पांचवें घर में बैठ गया
तो आपकी लाइफ में बहुत चीजें रहेंगी, कोर्ट केस रह सकते हैं, आपकी लाइफ में डिस्प्यूट्स रह सकते हैं, ऑब्स्टेकल ऑब्स्ट्रक्शंस रह सकती हैं, आपकी लाइफ में कुछ डेट्स रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दीज विल बेनिफिट्स यू, क्योंकि नक्षत्र का लॉर्ड पांचवें में है, वो पांचवें की तरफ ले जा रहा है आपको। रूट कौन सा है? छठे घर से होता हुआ। ऐसे ही बारहवां घर है। बारहवां घर मतलब लॉस का, अगर लग्न का स्वामी लॉस में बैठ गया और जिस नक्षत्र में वो बैठा है उसका नक्षत्र का लॉर्ड पांचवें बैठ गया, तो आप जिंदगी में लॉस के रूट से ही आगे गेन की तरफ बढ़ोगे, पहले आप नुकसान करोगे, फिर स्ट्रगल के बाद आप कहीं ना कहीं सेटल होगे। तो दिस इज द वे ऑफ एनालाइजिंग योर चार्ट। अब आइए आगे चलते हैं, लगन को छोड़ के चौथे घर को पकड़ लेते हैं। हम रैंडमली डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चीजें आप देख लेंगे। चौथे घर को हम पकड़ लेते हैं। चौथे घर का स्वामी अगर छठे में आ गया तो चौथे घर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स रहेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, हैप्पीनेस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी पे लोन वगैरह कर्जा बढ़ सकता है, और मदर की हेल्थ खराब हो सकती है। छठा घर बीमारी का भी है, आपकी भी हेल्थ थोड़ी वीक हो सकती है। अब क्या है कि अब हम देख रहे हैं चौथे घर का स्वामी, अब हम देख रहे हैं दोस्तों चौथे घर का स्वामी। चौथा घर किसका? हमारी हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस का लॉर्ड अगर खुद ही छठे में बैठ गया तो ये फल मिलेंगे। अगर वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अगर छठे घर में बैठ गया तो वो उस नक्षत्र का लॉर्ड उसे इन्फ्लुएंस करेगा उस तरह के फलों के लिए, तो भी गलत मिलेंगे। तो आपने अब ये देखना है कि चौथे घर का स्वामी तो छठे में बैठा हुआ है, जिस वो नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका नक्षत्र का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आके बैठ गया तो यानी कि दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद आपको वेल्थ मिलेगी, कोर्ट केसेस को फाइट करने के बाद आपको कोर्ट केस में विक्ट्री मिलेगी, आपको वहां से वेल्थ क्रिएट होगी, मेहनत मुशक्कत करने के बाद आप पैसा कमाएंगे। बहुत क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट करना है आपने। अब आइए चौथे घर का स्वामी अगर आठवें में बैठ गया, आठवां घर फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फुल ऑफ मिस्ट्रीज है, फुल ऑफ सीक्रेट्स है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, लॉन्ग डिसीजेस का हाउस है। चौथे घर का मालिक आठवें में लंबी बीमारी का योग बनाएगा, मदर की लाइफ में मदर से अनहैप्पीनेस का योग बनेगा। हाँ, चौथे घर का लॉर्ड अगर अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है तो हो सकता है आप मदर से ज्यादा प्यार करें, ज्यादा इसलिए प्यार करें, आठवां घर गहरा घर है, वॉटरी साइन है, वॉटरी मतलब आठवां घर जो है उसमें आठ नंबर काल पुरुष कुंडली में वॉटरी साइन है, आठ नंबर राशि आती है, वैसे भी आठवां घर बहुत डीप है। आपने ये भी जरूर देखना है कि पीड़ा कितनी है, क्या वो पीड़ा टॉलरेबल है या पीड़ा अनटॉलरेबल है, यानी कि टॉलरेबल कैसे होगी, जब आपका चौथे घर का स्वामी मित्र राशि में बैठा हुआ, यानी कि चंद्र अगर अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है चौथे घर का स्वामी होके, यानी मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो ठीक है, इट्स नॉट वेरी बैड, मंगल की राशि है एरीज लगन में। और अगर कोई दूसरा लगन है उसका स्वामी अपने एनिमी साइन में बैठा हुआ है आठवें में, तो पीड़ा ज्यादा है। आठवें में और भी कुछ मैलिफिक एनर्जी है तो पीड़ा बहुत ज्यादा है। उस मैलिफिक एनर्जी के इलावा अगर और भी मैलिफिक प्लैनेट्स की भी दृष्टि है तो पीड़ा बहुत ज्यादा है, फिर दिक्कत बहुत ज्यादा है। इस तरीके से आपने देखना है, यानी कि जब हमारा एक प्लैनेट दूसरों को पीड़ित करता है या एक हाउस दूसरों को पीड़ित करता है, वो एनर्जी हम डे टू डे लाइफ में उसको हैंडल कर लेते हैं। जब वो दूसरा कोई कंजंक्शन हो जाती है खराब, तो वो हमारे लाइफ को ज्यादा अफेक्ट करती है।
और अगर तीसरी हो जाए तो फिर तो हम बहुत ही सप्रेस्ड हो जाते हैं, और चौथी भी हो जाए साथ में तो यहां दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, वो मैनेज ही नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, यहां चंद्र और केतु बैठ गए, बहुत परेशानी है, और राहु की दृष्टि आ गई, सामने राहु ही बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि चंद्र पे आ गई, वो भी उसका एनिमी है, और शनि भी कहीं ऐसी जगह बैठा हुआ है जिसकी तीसरी सातवीं या दसवीं दृष्टि आ गई तो बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाएगी। एक तो आठवां घर खराब, केतु की कंजंक्शन खराब चंद्र के साथ, राहु की दृष्टि खराब, शनि की दृष्टि खराब, यहां चंद्र जो है बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा और आपको सारे बुरे फल देगा जो वो दूसरे प्लैनेट्स उसे दिलवा सकते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर एनिमीज। और अगर बुध की दृष्टि आ गई तो फिर तो आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने प्रिडिक्शंस को वर्कआउट करना है। अब यही अगर चंद्र बारहवें घर में बैठ जाए, चौथे घर का स्वामी होके, तो वहां बारहवें घर में 12 नंबर राशि है, वहां बचाव है, वहां मित्र राशि है, गुरुदेव की राशि है, वहां बचाव है। यानी कि यहां आप एमएनसी में काम कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री आप माइग्रेट हो सकते हैं, फॉरेन लैंड से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रैवल टूरिज्म का काम कर सकते हैं, ये पॉजिटिव प्लेसमेंट, क्योंकि 12 नंबर साइन है। लेकिन उस जिस नक्षत्र में मून बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अगर लगन से कनेक्ट कर गया या सेकंड हाउस से कनेक्ट कर गया तो चार्ट बहुत अच्छा है। यानी कि आप 12वें घर से भी पैसा कमा रहे हैं, हर घर से पैसा कमाया जा सकता है, हर घर से प्रोफेशंस निकलते हैं, ऑक्यूपेशन निकलते हैं, कोई ऐसा घर नहीं है चाहे वो छठा हो, आठवां हो, बारहवां हो, तीसरा हो। लेकिन हमें यह देखना है कि ये प्लैनेट किस डिग्निटी में है, क्या ये अच्छे मित्र राशि में है, जिस नक्षत्र में उसका लॉर्ड भी अच्छा पड़ा हुआ है तो ये आदमी सेटल होगा 100%। अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड ही कहीं फंसा हुआ है छठे आठवें बारहवें में तो दिक्कत ज्यादा है। मेरे ख्याल से काफी कुछ चीजें आपको क्लियर यहां होती हुई लग रही हैं। अब आगे हम दो तीन और हाउसेस को ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब 11वें घर का हाउस है, 11वें घर का प्लैनेट है, अगर वो 12वें में चला गया तो इट इंडिकेट्स कि आपकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं लॉस में कन्वर्ट हो रही है, उसका कहीं ना कहीं व्यय हो रहा है, पैसा नहीं बच रहा आपका। अगर यही प्लैनेट अच्छी डिग्निटी में है, मित्र राशि में है, या जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का लॉर्ड चौथे घर में आ गया, दूसरे में आ गया, लगन में आ गया, पांचवें में आ गया, नौवें में आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी एमएनसी में काम करेंगे, किसी फॉरेन कंपनी में काम करेंगे, किसी फॉरेन कंपनीज के लिए आप काम करेंगे, या किसी फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए आप काम करेंगे, या किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में घुसेंगे, क्योंकि इट इंडिकेट्स कि 12वें घर से आप का कनेक्शन अच्छा बना हुआ है, यू विल अर्न समथिंग फ्रॉम 12th हाउस। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत 12वें घर का फल भी मिलेगा, खर्चे भी रहेंगे लेकिन इनकम भी रहेगी। अगर 11वें घर का स्वामी दूसरे में ही आके बैठ गया तो यानी कि मैक्सिमम आपकी जो इनकम है उसकी सेविंग हो रही है, दूसरा घर सेविंग का है। वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है 11वें घर में ही, उसका अगर लॉर्ड आपका दूसरे में बैठ गया तो भी बहुत ऑस्पिशियस है। जिस नक्षत्र में वो बैठा है उसका लॉर्ड अगर छठे में बैठ गया तो आपकी इनकम का कहीं ना कहीं लोन में जा रहा है, डिस्प्यूट्स में जा रहा है, कोर्ट केसेस में जा रहा है, बीमारी में जा रहा है पैसा। यू कैन वेल कनेक्ट। 11वें घर का स्वामी अगर छठे में आ जाए यहां बहुत दिक्कत। हां, अगर 11वें घर का स्वामी छठे में आके बैठ जाए और स्वामी और ऐसे नक्षत्र में बैठ जाए जिसका लॉर्ड दूसरे में आ जाए तो कहीं ना कहीं आपका पैसा तो लगेगा कोर्ट केस में, लेकिन आपको उसका फल अच्छा मिलेगा, यू विल गेन सम वेल्थ। ऐसे ही हम किसी और घर को ले लेते हैं, हम फॉर्चून के घर को ले लेते हैं, 9th हाउस को। 9th हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है, त्रिकोण हाउस है। 9th हाउस का प्लैनेट जहां जाएगा उस तरीके के फल देगा।
या नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठेगा, उस नक्षत्र का लॉर्ड जहां बैठेगा उस तरह के फल आपको देगा। नाइन्थ हाउस का कनेक्शन विवाह से हो जाता है सातवें घर से, तो आपका वैवाहिक जीवन फॉर्चुनेट रहेगा। लेकिन हमने ये नहीं बोला विवाह में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो विवाह सातवें घर का स्वामी छठे में बैठ जाए तो प्रॉब्लम भी रहेंगी लेकिन फॉर्चुनेट रहेगा। ऐसा भी तो होता है जब हम शादी करते हैं, हमारी वाइफ बड़ी फॉर्चुनेट होती है लेकिन फिर भी हमारे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, तो दोनों ही भाव मिलते हैं। ऐसी चीजें बहुत होती हैं चार्ट्स में कि आपकी वाइफ आपकी भाग्य के लिए अच्छी है लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अच्छी है। वो किस तरीके से हम जानेंगे, कहीं सातवें घर का मालिक अगर नाइन्थ से जुड़ गया तो विवाह में बचाव रहता है डिस्पाइट सम ऑब्स्टेकल्स, लेकिन बचता है विवाह, चलता है। और अगर नौवें घर का स्वामी ही आपका कहीं छठे घर में फंसा हुआ है तो इट इंडिकेट्स कि वो लकी तो है आपके लिए लेकिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में रह सकते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स रह सकते हैं। अगर फॉर्चून के घर का स्वामी दसवें में आ जाए बहुत ऑस्पिशियस है, यानी कि फॉर्चून का खुद लॉर्ड, यानी कि देवी देवताओं का घर है और वो आपके कैरियर के घर में बैठ गए देवी देवता, तो आपका कैरियर शाइन करेगा। अगर वो ग्यारहवें में बैठ जाए तो इनकम में ब्लेसिंग्स आ गई आपको, अगर वो दूसरे में बैठ जाए वेल्थ की सेविंग में ब्लेसिंग आ गई, चौथे घर में बैठ जाए तो आपकी कंफर्ट्स में कन्वीनियंसी में सुख में सुख भाव है ब्लेसिंग आ गई, और पांचवें में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं संतान सुख आपको मिलेगा। तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी देखना बहुत जरूरी है। और शुरू शुरू में हमने आपको कुछ पिछली वीडियोस में बताया कि लगन और फिफ्थ और नाइन्थ हाउस का जो है पोजीशन आप सबसे पहले देखिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। और दोस्तों अब हम एक आध और हाउस ले लेते हैं, सपोज सेकंड हाउस हमारी वेल्थ और फैमिली का है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में आ गया तो फैमिली में डिस्प्यूट्स इंडिकेट करता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर ट्वेल्थ में चला गया तो फैमिली की वेल्थ का लॉस इंडिकेट करता है। अब हम बड़ी जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में आ गया तो आपकी जो भी वेल्थ है फैमिली की वेल्थ है उसमें स्ट्रगल शो करता है, पराक्रम शो करता है और फैमिली में भी एक स्ट्रगल शो करता है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके भाग्य में आके बैठ गया तो इट इज वेरी ऑस्पिशियस, मतलब आपके भाग्य में फैमिली की वेल्थ आ गई। अगर आपके भाग्य का स्वामी सेकंड हाउस में बैठ गया तो आपको इनहेरिटेंस आपके भाग्य में आ गई या आपके वेल्थ में आ गई। ऐसे ही आठवें घर का कोई प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठ जाए तो इट इंडिकेट्स यू विल गेट सम इनहेरिटेंस, अगर वो मित्र राशि में बैठा हुआ है तो, और प्लैनेट भी अच्छा है। और अगर आठवें घर में बहुत ज्यादा मैस हो, बहुत ज्यादा एनिमी प्लैनेट्स बैठे हो, वहां स्ट्रगल रहेगा, वहां डिस्प्यूट्स रहेंगे, वहां प्रॉब्लम्स रहेंगी इनहेरिटेंस लेने में। और अगर आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए तो इसका मतलब आपके बड़े सिबलिंग्स या छोटे सिबलिंग्स आपकी उनकी इनहेरिटेंस से बेनिफिट्स उनको ज्यादा होंगे। आपके चार्ट में अगर इलेवंथ हाउस में मंगल जैसे प्लैनेट बैठ जाए तो ही विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। इस तरीके से आपने ये चीजें देखनी है। अब दोस्तों एक और देख लेते हैं, अब जब बात हुई है थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है लेकिन कुछ क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो गई होगी। देखिए दोस्तों अब हम पकड़ते हैं टेंथ हाउस,
टेंथ हाउस में अगर बुरे प्लैनेट्स पड़े हों तो ये हमारे कैरियर को स्टैब्लिश नहीं होने देते। सुबह सूर्य नीच का ही आ गया टेंथ हाउस में, इट विल पोज ए इनस्टेबिलिटी इन आर कैरियर थ्रू आउट आर लाइफ। यहां आदमी बदतमीज हो जाएगा, आदमी पैसे का नुकसान कर लेगा, लोगों से रिश्तेदारी खराब कर लेगा, गवर्नमेंट के लोगों से परेशानी पैदा कर लेगा, गवर्नमेंट के कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह भी, कुछ एलिगेशंस उस पर हो सकते हैं और पैसे का नुकसान हो सकता है। अगर सूर्य जैसा प्लैनेट नीच का बैठ गया टेंथ हाउस में जो कैरियर का घर है, तो यहां सक्सेस मिलने के कम चांसेस रहते हैं। और ऐसे इंसान की समाज में प्रतिष्ठा भी कम होती है, वो उसका बैड नेम तो हो सकता है, अच्छा नाम बनाने में बड़ी दिक्कत है उसको। ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स आपने देखने हैं। अगर मंगल नीच का चौथे घर में बैठ जाए तो नॉर्मली प्रेडिक्शंस ये हैं कि मदर वगैरह से कुछ एग्रेशन रहता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी हो सकती है इंसान की थोड़ी बहुत, प्रॉपर्टी की ब्लेसिंग ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर यही मंगल ऊंच का बैठ जाए तो बहुत प्रॉपर्टी दे देता है चौथे घर में। अगर नीच का ये प्लैनेट किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ जाए, गुरु जैसे नक्षत्र में बैठ जाए, गुरु का तो नक्षत्र मिलेगा नहीं क्योंकि नीच का चार नंबर में होता है, वहां पुनर्वासु मिलता है, पुष्या और आश्लेषा भी है वहां। तो यानी कि वो नक्षत्र का लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो इट विल डेफिनेटली गिव यू सम रिलीफ। आप जरूर नहीं है कि आप मदर से बहुत ज्यादा झगड़ा करें, अगर उसका भाग्य में ही आगे बैठ गया या लगन में से ही कनेक्ट कर गया उसका स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा हुआ, तो इस तरीके से आपने वर्कआउट करना है। हमने बड़ी सिंपल सिंपल आपको प्रेडिक्शंस बताने की कोशिश की है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, एस्ट्रोलॉजी इज ए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड डीप साइंस। इसमें कंजंक्शन है, एस्पेक्ट्स हैं, डिग्री हैं और चार्ट है और डिग्निटी है, प्लैनेट्स की किस तरीके से है, फ्रेंड साइन में है, एनिमी में है, तो आपने सारी चीजों पे नजर डालनी है। बेटर ये होगा कि आप एक एक प्लैनेट की स्टडी करो शुरू शुरू में, इफ यू आर ए लर्नर स्टडी वन प्लैनेट, फिर उस पर आप देखो कितने डिग्री का है, कहां बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में, नक्षत्र का लॉर्ड कहां है और उस पर किस किस की दृष्टि है, दृष्टि एनिमी प्लैनेट्स की या फ्रेंड्स की है। तो आप थोड़ा सा कंसोलिडेट करो, बस इतना ही कंसोलिडेट करो कि ये अच्छे फल दे रहा है या बुरे दे रहा है। फलों पे तो बाद में आएंगे, वो तो घरों का सिग्निफिकेंस आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन आप इनिशियली ये देखो कि ये भैया ये अच्छा है, इसकी प्लेसमेंट या बुरी है। अगर आपने यहां से बिगनिंग की तो आई एम श्योर यू विल नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूं कि ये कन्वर्सेशन आपके लिए यूजफुल है और कहीं ना कहीं आप इनको पकड़ के आगे बढ़ जाओगे और डेप्थ में उतर जाओगे। कल हम अगर बैठेंगे तो हम थोड़ी सी दशाओं के बारे में आपको बताएंगे, फिर हम इस सीरीज को यहाँ खत्म करेंगे और फिर हम अपनी कैंसर असेंडेंट की सीरीज भी चलाएंगे और कुछ कंजंक्शन वगैरह पे भी, थ्री प्लैनेट्स कंजंक्शन पे भी बातें करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल सी यू सून, गुड बाय।